देश भर में कोरोना मरीजों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में मध्य प्रदेश का खरगोन जिला भी अछूता नहीं। इसी क्रम में शासन प्रशासन स्तर पर कोरोना मरीजों के सुचारू उपचार की व्यवस्था का निरीक्षण चल रहा है। इसी के चलते कोविड-19 प्रभारी CS सिन्हा खरगोन अस्पताल पहुंचे और कोरोना के मरीजों से मुलाकात करके अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान जिला कलेक्टर अनुग्रह पी, CHMO रजनी डावर सहित प्रशासनिक महकमा मौजूद रहा। मीडिया से रूबरू सिन्हा ने बताया कि अस्पताल महामारी से निपटने के लिए पुरजोर तैयारी कर रहे हैं। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर दिवेश वर्मा ने बताया कि कोरोना के प्रति लोगों में जागरूकता लाकर शासन की मंशा को आमली जामा पहनाने का भरकस प्रयास कर रहे हैं। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। किस तरह से जैसे आज निरीक्षण किया आपने सर, क्या निर्देश दिए? चेक किया है, जो मरीज हैं उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक चल रहा है। वैक्सीनेशन का भी रिव्यू किया, मीटिंग भी ली है, तो स्थिति ठीक है। और वैक्सीनेशन पूरे ज़िले में अब चालू हो रहा है, सभी सब हेल्थ सेंटर्स में, तो अधिक से अधिक लोग आके उसका लाभ उठाएं, ये मैसेज सभी तक पहुंचना चाहिए। सर ये देखने में आया सर, जो कोरोना टेस्ट कराना था मैडम सर, क्या जिस तरह कोविड पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, किस तरह से सर दिशा निर्देश दिए और क्या है? दिशा निर्देश यही है कि एक तो अपना पूरा प्रोटेक्शन के लिए जैसे सैनिटाइजेशन है, मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, ये हमको करना पड़ेगा, है ना। दूसरा प्रोटेक्शन अपना वैक्सीनेशन चल रहा है, उसमें अभी जो वहाँ से जो गाइडलाइन आई है उसमें 60 साल से ऊपर वालों को सबको वैक्सीन लगनी है और 40 से लगाकर 59 साल वाले, 45-59 वाले जिनकी कोई कोमॉर्बिडिटी है, जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, कैंसर है या लंग्स की बीमारी है, इनको भी वो वैक्सीन से कवर कर रहे हैं। कोविड सेंटर जैसे बंद हो चुके थे, अब जो फिर से चालू करने के लिए जैसे किस तरह से बंद कर दिए गए थे इनको? CCC का तो अभी नहीं आया है, पर ICU जहाँ बंद हुए हैं उनको फिर से चालू करने के निर्देश कल आए हैं। तो अब उसके लिए हमारा जो स्टाफ है, जो पहले 3 महीने के लिए रखा था, उसको उस दौरान फिर हमने हटा दिया था, अब उसके लिए फिर से उनको रिक्रूट करना पड़ेगा और 1-2 दिन में हम अपना ICU चालू करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।